हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे बहुत सारी बातें, और इसके बाद एंड में हम जिंदगी खेलेंगे, और हम लोग डांस करेंगे गाइस। और फिलहाल के लिए बातें इतनी अच्छी अच्छी करने लाइक हमें यूट्यूब के बारे में आप लोग से बात करनी है। यूट्यूब और टिकटॉक वर्सेस क्या हो रहा है, सो कोमल कुछ इन्फॉर्म करना चाहती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब और टिकटॉक के लिए झगड़ा क्यों हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारे इंडियन का वो है ही नहीं, वो टिकटॉक चाइना अभी का आया हुआ, और यूट्यूब इतने साल से हमें दे रहा है। और जो कि अब सब बोल रहे हैं कि यूट्यूब मेहनत कुछ नहीं है और टिकटॉक बहुत ज्यादा मेहनत है। आप क्या करते हो, सिर्फ सॉन्ग प्ले होती है, फिर लिपसिंग करते हो, ब्ला ब्ला करते हो, उसका चुप हो जाते हो क्यों? और हमें इतना मेहनत करना पड़ता है टिकटॉक यूट्यूब पे आकर। और रही बात गाइस, हमारा भी टिकटॉक पे अकाउंट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट डजंट मीन कि उसको कंपेयर किया जाए किसी और सोशल मीडिया ऐप से। फिलहाल के लिए मेरे को ये बोलना है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और टिकटॉक आगे अपनों में झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम सब इंडियंस हैं, हम क्यों झगड़ रहे हैं और कैरी मीना को क्यों ट्रोल कर रहे हैं? बिकॉज़ वो हमारा इंडिया का ही है, हमारा ही अच्छा खासा वो आज से है। नहीं है, बहुत साल से कैरी मीना ने दिया है, और बहुत टॉप पर है वो यूट्यूबर। और जो टिकटॉकर्स है, जो छोटे छोटे मोन जो है, फैजू एंड सब लोग, आमिर सिद्दीकी, मैं लोगों का नाम लेना चाहती हूँ, बिकॉज की वो लोग है ही ऐसे, जस्ट बिकॉज गाइज वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं कैरी मीना को, इतना ट्रोल कर रहे हैं उसको, इतने साल तक उसके साथ में कुछ हुआ ही नहीं, और अब क्यों, अब क्यों आ रहा है इतना गुस्सा, क्यों आ रहा है हम लोगों को? लाइक मुझे खुद को यहाँ पे हर्ट हो रहा है, कैरी मीना ने कल कितना, मतलब आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है आप लोगों को, पता है यूट्यूब पे पंखे बंद करके हमें चिल्लाना होता है। ये टिकटॉक वालों को समझ नहीं आएगा, ये हमें पता चल रहा है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। और जो एडिटिंग रहती है ना, एक वीडियो के ऊपर एडिटिंग 7 आवर्स, लिटरली गाइस मेरे को इतने गुस्से आ रहे थे ना, मेरे को लगा कि मैं सामने वाले को जाकर मैं बोलूं कि कर क्या रहा है भाई। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है गाइस, वो भी बहुत गंदी चीज हो रही है सब। अरे वी आर इंडियंस, क्या समझ कर, मतलब आपको कोई सेंस है कि करना क्या चाहते हो आप लोग? और किसी चाइना वाले ऐप से, और आप ये मतलब क्या साबित कर रहे हो, क्या मतलब, क्या तुम इसको कंपेयर, मतलब थिंक अबाउट, आपको इतना आपको, और देखा जाए कि आपको टिकटॉक ने दिया क्या है, हाँ क्या दिया है, और ऐसा बोल रहे हैं कि टिकटॉक बस बहुत कमा रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि आप टिकटॉक पे पहले इंस्टॉल करते हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ाते हो, फिर आप यूट्यूब क्यों स्टार्ट कर रहे हो भाई? बंद करो यूट्यूब का, यूट्यूब अनइंस्टॉल करो, चलो करो यूट्यूब अनइंस्टॉल। जब यूट्यूब से इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम्हें क्या सेंस लगाओ, क्या कर रहे हो, कंपेयर करना बंद करो गाइस। वो कैरी मीना भी बहुत बेस्ट, और आगे भी बहुत बेस्ट करेगा वो, और कहीं पे कुछ नहीं गिरा नहीं बेस्ट है गाइस, काफी अच्छे वो, कभी नहीं गिरेगा, आगे बढ़ेगा, और फिर वो वीडियो बनाएगा, और फिर लोगों को स्लैप करेगा, बहुत बड़ा वाला। कैरी मीना को सपोर्ट कर रहा है, अगर करो तो प्लीज कमेंट करो, मुझे बहुत गुस्से से, आई एम सॉरी जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूं, अभी भी मेरे को बहुत ज्यादा, मैं अंदर से रहता आप लोग से ऐसा बात करना, मैंने कोमल पे ही छोड़ दिया। अरे नहीं, मुझे बहुत गुस्से थे, मैंने इनफैक्ट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अब जाके अभी फॉलो कर सकते हो। मैंने कैरी मीना ने पूरा इतना बड़ा लिखा था, मुझे बहुत हर्ट हुआ। पहला वीडियो मतलब ऐसे, मतलब बहुत सारे वीडियोस मिलियंस में होते हैं, बट ये वीडियो से बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था उसको, और उसके लिए मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं वो भी बोला, फ्रस्ट्रेट हो गया वो भी, क्यों ये सब चीज गाइस, दैट्स इट। और इफ यू मतलब आपको भी चाहिए कि ये जो भी है वो बंद हो जाए, और प्लीज बंद कर दीजिए, प्लीज अगर जो भी अगर इंडियंस है वो टिकटॉक को इतना मत फॉलो करो, रहो टिकटॉक पे, बनाओ वीडियोस, अरे वो प्लेटफॉर्म एंजॉय करने के लिए, कंपैरिजन यूट्यूब के वो करियर नहीं बना ले रहा है, वो यूट्यूब करियर है, कितने लोग यूट्यूब की वजह से खा रहे, यूट्यूब से जो इनकम आ रही है उनकी सब जर्नी देख रहे, और रिपोर्ट करना आपको क्या लगता है बहुत खाऊ है? आप मतलब आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिपोर्ट करे तो कैसा लगेगा आपको? वो कैरी कितना कितने रिपोर्ट आया है उसको पता है, कितना हर्ट हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो गया, और इतने अच्छे रिस्पॉन्स लाइक अच्छे एल्बम पे भी इतना अच्छा, आप लोगों को ना ऊपर जाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जब करना ये फोकट की मेहनत से इतने आगे गए हो, और आगे जाके जब गिरोगे ना फिर रियलाइज करो ये कैरी मीना क्या चीज है। और कैरी मीना आप लोग को हम बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे आगे बढ़ते रहो, और हम भी है क्योंकि हम भी यूट्यूबर है, और हम भी समझ सकते हैं, हमने कंपेयर नहीं किया, यूट्यूब हमारा फर्स्ट शो ऐसा प्रायोरिटी रहा है, इनफैक्ट हम रात रात के एक एक दो दो बजे तक शूट किए हैं, और हमारी हालत, और लोग जो चीयर कर रहे हैं ना वो अच्छा हो गया, डिलीट हो गया, ये हो गया, ये ना आप लोग का मतलब बस शर्म आ रही जो आप लोग ये सोच रहे हो। और ये लोग इतना बोलते हैं कि आप लोग के व्यूज कम हो गए, हम उस व्यूज के डालते हैं जो हमें देखते हैं, लाइक 400-500। मुझे तो बहुत गुस्से के सारे मैंने निकाल दिए, बाकी आप लोग का टाइम है। सो गाइस प्लीज कमेंट करके बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज कैरी मीना करना बहुत ज्यादा,
और अच्छा। हम लोग अभी टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस और अच्छे अच्छे बातें कर ली और अच्छा लग रहा है सब। हाँ मतलब मेरे को कब से था ये बोलना, मुझे ऐसा था कि मुझे अभी भी ऐसा ऐसे चालू है, बट तो फिर मुझे सब एंगर बहुत है, बहुत ज्यादा। और हमें आमिर सिद्दीकी पे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसको क्या मतलब, पहले तो तुम बोल रहे हो ट्रोल करो और अब तुम बोल रहे हो कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, करना क्या चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है। और पहली बात तो तुम्हारे रमजान स्टार्ट है, तुम गालियां कैसे दे रहे हो भाई दूसरों को, गालियां कैसे दे रहे हो। वो कुछ बोल नहीं रहा है और कैरी मिनाटी तो मेरे ही एज का है, मैं तो उससे गाली क्या दी है, उसमें गाली कुछ दी ही नहीं है, तुम उससे ज्यादा गाली दे चुके हो। और गाइस जो भी कैरी मिनाटी आमिर सिद्दीकी पे वीडियो है वो कौशल हमेशा अपने चैनल पे डाल रहा है, तो प्लीज गाइस को फॉलो करो, उसको फॉलो करो, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा है वो आमिर सिद्दीकी, और इस पे तो मैंने डाल दी आई बटन पे देख लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, कहीं पे भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और गाइस प्लीज प्लीज सपोर्ट करो, हमें भी करो, और कैरी मिनाटी को भी सपोर्ट की जरूरत है, और काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। फ्लाइंग डिश तो मेरा फेवरेट है, हां मेरा तो बहुत, आशीष चंचलानी तो सबके मार देगा गाइस, सही बंदा है वो बहुत ज्यादा, मतलब वो लोग को देख के ऐसा लगता है कि नहीं हमारी जर्नी इससे भी ज्यादा लंबी है, बस इतने एक वीडियो से तुम डिलीट करने से तुम ये साबित नहीं कर रहे कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, हम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आगे भी रहेंगे, मेहनत करके आगे और फिर मालूम पड़ेगा क्या। और ये यहाँ हूँ करके ना टिकटॉक पे कुछ नहीं बना पाऊं, हर कोई फेमस हो सकता है जो अच्छे यूट्यूबर जो अच्छे अच्छे लोग, मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूँ यूट्यूब पे फेमस होके दिखाओ, बट ये जीरो से स्टार्ट करके जीरो से कुछ। सो गाइस आप भी हमारी तरह कैरी मिनाटी को सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, और कौशल के चैनल को प्लीज गाइस प्लीज विजिट करो, बिकॉज़ डेली वीडियोस एग्जैक्टली और बहुत अच्छे से वो आपका एक्सप्लेन करेगा आमिर सिद्दीकी एंड कैरी मिनाटी और यूट्यूबर्स और टिकटॉक के ऊपर, और बहुत सारी ट्रिक्स बताएगा आपको कि कैसे आपको व्यूज मिलेंगे, कैसे एडिटिंग करोगे, और आप कैसे लाइव आ सकते हो यूट्यूब पे भी, सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपके उसके चैनल पे मिल जाएगी। सो प्लीज आई बटन पे भी दे दिया है और आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, एक बार जाके विजिट करने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार विजिट कर लो और इस वीडियो पे एटलीस्ट गाइज एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स कर दो, और चले कोई मानना नहीं, अगर हमें ये समझो कि सब तो डिलीट ही हो रहे, टिकटॉक भी डिलीट, जो हम टाइटल आ रहे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब थोड़ा फ्रीज हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज की जो है वो रिपोर्ट कर दे रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाए डिलीट होने का पता है, बट हमने मतलब हल्ला मुझे बोला था, हमने बोला और फ्रस्ट्रेशन निकाले, जो हमें बुरी लगी वो लगी आपके सामने, मत लड़ो प्लीज, हम अपने में क्यों लड़े, क्यों लड़े दूसरे के लिए नहीं, प्लीज ये आप इंसानियत रखो और आगे बढ़ो चाइना और सबके साथ बढ़ो, ये आप सबको अलग अलग बिखर के कोई आगे नहीं कर सकता, अपने में कुछ नहीं कर सकते, वो हमें इतना भी कोरोना वायरस दे चुके, अब इससे ज्यादा भी हमें क्या कर सकते, जाके टेक्निकल गुरुजी को देखो और फॉलो करो, ये सब चीज बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉलो कर रहे हो गलत चीज फॉलो कर रहे हो गाइस, बाकी आपको जो फॉलो करना है करो, बस इतना बोलूंगी कि इंसानियत रखो और किसी को भी ऐसी बातें मत बोलो जो हर्ट हो गाइस, बहुत गंदी लगती है। मैं तो एवी में टिकटॉक तो मैं टाइम पास में करती हूँ ना, क्योंकि मेरे फैमिली बोलते हैं ये क्या है, मतलब कुछ भी, मेरी मम्मा को नहीं पसंद है, ना ही मेरे पापा ने तो कभी टिकटॉक इतना इंटरेस्टेड लिया नहीं, उनको यूट्यूब लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब मुझे ऐसा लगा था बट ये लोगों ने जो टिकटॉकर लोगों ने बहुत अपने आपको स्मार्ट गिरे दिखाया ना, पर टिकटॉक तो अभी गया है और प्लीज हमें सपोर्ट करो जैसे आप करते हो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो बहुत सारा कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, और That's it guys, बस इतना ही बोलूंगी, या बहुत ज्यादा बोल दिया है वैसे हमने, प्लीज 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 लाइक करो, शेयर बहुत ज्यादा लाइक करो प्लीज, व्यूज आप लोग फैमिली फ्रेंड्स सब जगह पे शेयर करो, जो कि काफी मतलब काफी काम हो चुका है, कोई मानना नहीं, वैसे ही मेहनत करते रहेंगे जैसा आपको लग रहा है अच्छा, वैसे मैं मेहनत करते रहूंगे, प्यार करो सपोर्ट करो, बहुत ज्यादा प्यार करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप जो सब्सक्राइब किए हैं वो उनको नोटिफिकेशन आए और तुरंत हमारे वीडियोस देखो, फिलहाल के लिए दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।